हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जून 2024 के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बुक पब्लिश हो चुका है, जो कि कल सुबह से यानी कि मंडे मॉर्निंग से रायपुर के सभी प्रमुख बुक डिपो में और ट्यूजडे मॉर्निंग से बिलासपुर के सभी बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगा। रायपुर बिलासपुर के बाद जल्द ही छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के सभी प्रमुख बुक डिपो में ये बुक मिलने लगेंगे। देखिए, जिन्हें इस बुक की ज़रूरत है, जो इस बुक को खरीदना चाहते हैं, वे समय रहते इस बुक को खरीद लीजिएगा। अपने शहर के किसी नज़दीकी बुक डिपो में आपको यह बुक अवेलेबल हो जाएगा। इस बुक का स्टॉक लिमिटेड है, मैंने इसकी ज़्यादा कॉपी प्रिंट नहीं कराई है, तो ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले समय रहते आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जा कर के इस बुक को ले लीजिए। अगर ये बुक आपके शहर के किसी बुक डिपो में नहीं मिलता है, तो आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जा कर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। ये बुक जो है आपको इन शहरों के बुक डिपो में मिल जाएगा। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, या फिर आप हमारे इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बुक को हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जा करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2024, सबसे बड़ा टॉपिक है रामगढ़ महोत्सव। अभी हाल ही में इस जून के महीने में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ। यह इसका 48वां संस्करण था, ठीक है, 48वां संस्करण था इस रामगढ़ महोत्सव का। प्रश्न पूछा जाएगा, जून 2024 में आयोजित हुए रामगढ़ महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 48वें नंबर का संस्करण। प्रतिवर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में किया जाता है। आषाढ़ माह, जो आप अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसे ग्रिगेरियन कैलेंडर कहा जाता है, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे महीनों के नाम होते हैं, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं। अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, तीज त्यौहार, पर्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हिंदी में, हिंदी कैलेंडर के आधार पर महीनों के नाम याद होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फागुन, टोटल 12 महीनों के नाम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से याद होने जरूरी है, और उसी के आधार पर ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो आषाढ़ माह में किया जाता है, आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में इसका आयोजन होता है। रामगढ़ महोत्सव जिसका आयोजन रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में इस महोत्सव का आयोजन होता है। इस साल ये महोत्सव 22 व 23 जून 2024 को दो दिन के लिए आयोजित हुआ, 48वां संस्करण। मान्यता है कि इस रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में बैठ करके महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की है, ठीक। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि, उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, जिन्होंने सरगुजा जिले के इस रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर बैठ करके अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। देखिए, इस मेघदूत रचना में उन्होंने इस पहाड़ी को रामगिरी की पहाड़ी के नाम से संबोधित किया है, जिसे इतिहासकार मानते हैं कि मेघदूत रचना, मेघदूत महाकाव्य में उल्लेखित रामगिरी की पहाड़ी हमारे इस सरगुजा जिले के वर्तमान की रामगढ़ की पहाड़ी ही है। और मेघदूत रचना में महाकवि कालिदास जी ने रामगिरी की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र के लिए सरगुजा शब्द का संबोधन किया है। क्या? सरगुजा यानी कि स्वर्ग से गुजरने वाला रास्ता, ये सरगुजा वर्तमान का सरगुजा शहर है, ठीक है। तो महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना इसी रामगढ़ की पहाड़ी में की थी। इस आपके रामगढ़ महोत्सव में दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। एक है मीना वर्मा, ठीक है, रचनाकार का नाम है मीना वर्मा द्वारा लिखित रामगढ़ नाट्यशाला। रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, सीता पेंगरा की गुफा, लक्ष्मण पेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, ठीक है।
सीता पेंगरा की गुफा और लक्ष्मण पेंगरा की गुफा जो कि रामायणकालीन स्थल है, ऐसी मान्यता है कि सीता बेंगरा की गुफा में सीता माता, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा में लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए विश्राम किए थे। जोगी मारा की गुफा जो कि अशोककालीन सम्राट अशोक के टाइम पीरियड की गुफा है, उनसे जुड़े हुए यहाँ पे भाषा और लिपि के साक्ष्य मिले हैं। जो आपके सीता बेंगरा की गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। भरत मुनि की नाट्यशाला पर आधारित यहां पर एक ओपन थिएटर मौजूद है सीता बेंगरा की गुफा में। और सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी के ऊपर है? रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर। तो उसी के ऊपर लिखा गया पुस्तक है रामगढ़ नाट्यशाला। रचनाकार का नाम क्या है? मीना वर्मा, ठीक, जो कि एक खंड काव्य है, तथा श्रीश मिश्र द्वारा लिखित संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़। देखिए ये इतना बड़ा टाइटल है और ये पुस्तक अभी हाईलाइट में है, तो इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि रामगढ़ नाट्यशाला पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मीना वर्मा जी इसकी रचनाकार है। संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़, ठीक, इसके रचनाकार कौन है? श्रीश मिश्र। संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम, यानी कि ये मेघदूत रचना की बात हो रही है। रचना स्थली यानी कि इसी रामगढ़ की पहाड़ी में इस पुस्तक की रचना हुई सरगुजा का रामगढ़। इन दो पुस्तकों का विमोचन हुआ। देखिए एक साल का प्रश्न पूछा गया था कि रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस ग्रंथ से है, तो रामगढ़ महोत्सव सांस्कृतिक आयोजन मेघदूत ग्रंथ से संबंधित है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो ये रामगढ़ महोत्सव का आयोजन होता है ये सांस्कृतिक आयोजन मेघदूत ग्रंथ से संबंधित है, यानी कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम। तो इसमें इतने सारे फैक्ट याद होने चाहिए। 48वां संस्करण है, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में इसका आयोजन होता है। ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, और इन पुस्तकों से याद रखिएगा फैक्ट को। नेक्स्ट देखिए, त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा, अभी हाल ही में नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। खेत में खुदाई के दौरान एक प्रतिमा प्राप्त हुई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गोडी हरी ग्राम में खेत की जुताई के दौरान पत्थर की एक प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये प्रतिमा त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा है। त्रिशूल आयुध पुरुष यानी कि त्रिशूल धारण किए हुए पुरुष की प्रतिमा। अगर आप ये प्रतिमा देखेंगे तो यहां पर आपको एक पुरुष की प्रतिमा जिसके सिर के ऊपर त्रिशूल टाइप का इसमें कुछ सिंबल आपको दिखेगा। इसके आजू बाजू एक पुरुष की प्रतिमा और एक महिला की प्रतिमा यहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसे ही कहा जा रहा है त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा। अब ये प्रतिमा कितने साल पुरानी है इसका अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गोडीहारी ग्राम से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा जिसके दोनों ओर एक स्त्री और एक पुरुष खड़े हैं, एक स्त्री और एक पुरुष इसमें खड़े हुए हैं। यह प्रतिमा उड़ीसा के स्तंभेश्वरी या खंभेश्वरी देवी के सदृश दिखाई पड़ती है। जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है ये उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार की प्रतिमा उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में भी पाई गई है जिसे वहां के लोग स्तंभेश्वरी देवी के नाम से पूजते हैं, ठीक है। स्तंभेश्वरी देवी या खंभेश्वरी देवी के सदृश दिखाई देती है। स्तंभेश्वरी देवी को अक्सर साधारण लकड़ी या पत्थर के खंभों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक पत्थर के ऊपर ये आकृति उकेरी गई है, ठीक है। ये जो आपकी पूरी की पूरी प्रतिमा है वो एक पत्थर के ऊपर खोद करके बनाई गई है और ऐसी ही प्रतिमा उड़ीसा वाले क्षेत्र के कुछ स्थानों में पाई भी गई है, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय ग्रामीण है इस प्रतिमा को बाबा भैरव की पत्नी माँ हर मैया के रूप में पूज रहे हैं। जो आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जो स्थानीय ग्रामीण है वो इस प्रतिमा को बाबा भैरव की पत्नी माँ हर मैया की के रूप में इसकी पूजा कर रहे हैं। मूर्ति गांव वालों ने भी माता को चुनरी से ओढ़ाया, यानी कि ये प्रतिमा प्राप्त हुई तो उन्हें जो है चुनरी से ओढ़ाया गया। मूर्ति के संबंध में जनश्रुति से यह जानकारी मिली है कि मूर्ति के मध्य में स्थित आकृति बाबा भैरव की पत्नी माँ हर माया है
इसके साथ महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष दाएं बाएं हैं, वो उनके सेवक है, यानी कि ये जो है माँ हर मैया की प्रतिमा है, बाबा भैरव की पत्नी, और आजू बाजू जो स्त्री और पुरुष है वो उनके सेवक है। माँ हर मैया का स्थान मंदिर आदि किसी राज्य, किसी गांव गांव आदि के सीमा पर होता है, यानी कि गांव की सीमा वाले क्षेत्र में अक्सर माता की जो मंदिर है ये देखने के लिए मिलता है। राजा द्वारा, यानी कि पहले के समय में राजा के द्वारा इनको बलि दी जाती थी, माँ हर मैया को पहले बलि दी जाती थी और रानी इनके लिए सेवा गीत गाया करती थी, ऐसे स्थानीय स्तर पर जनश्रुति प्रचलित है, ठीक है। तो अब जब पुरातात्विक विद इसका जो है सर्वे करेंगे, इसका सर्वेक्षण करेंगे या कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिखाएंगे बताएंगे, तब सटीक अनुमान लगेगा कि यह प्रतिमा किस टाइम पीरियड की है और यह प्रतिमा किसकी है। लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ पे दो बातें कही जा रही है कि ये जो त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा है ये उड़ीसा के तरफ स्तंभेश्वरी या खंभेश्वरी देवी से समानता रखता है और स्थानीय जनश्रुतियों के आधार पर यह बाबा भैरव की पत्नी माँ हरमैया से संबंधित है, ठीक है। और त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई पूछा जाएगा, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाले क्षेत्र से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इस साल यह काफी हाईलाइट में था, तो इससे बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। सबसे पहला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कब हुआ, 7 से लेकर के 16 जून, 7 से 16 जून 2024 के मध्य यह छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। इसका आयोजन रायपुर जिले के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया, तो कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया जिनके द्वारा कुल 18 मैच खेले गए। इस छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुरेश रैना जी को, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है हमारे भारतीय टीम के, सुरेश रैना जी। उद्घाटन मैच यानी कि 7 जून को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उद्घाटन मैच खेला गया था रायपुर राइनोस टीम और बिलासपुर बुल्स टीम के मध्य, दो टीम रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के मध्य उद्घाटन मैच खेला गया। इसमें विजेता टीम को 15 लाख रुपए, यानी कि जब फाइनल मैच हुआ तो फाइनल मैच में जो टीम जीतेगी उसे 15 लाख रुपए और उपविजेता को 11 लाख रुपए का पुरस्कार निर्धारित किया गया था। इसका फाइनल मैच खेला गया रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के मध्य, जिन्होंने उद्घाटन मैच से शुरुआत की उन्हीं के मध्य जो है फाइनल मैच भी हुआ रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच, और टीम जीती कौन है, तो वो है आपका रायपुर राइनोस, ठीक। CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम है रायपुर राइनोस। विशेष, इस लीग में दर्शकों को निशुल्क प्रवेश दिया गया था, यानी कि स्टेडियम में जाकर के मैच देखने की टिकट, कोई भी टिकट प्राइस नहीं लिया गया, और मैच के बीच में यदि कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है, ठीक है, तो उसे 10,000 रुपये दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कब खेला गया, किस स्टेडियम में खेला गया, कुल कितने टीम शामिल हुए, कुल कितने मैच खेले गए, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, उद्घाटन मैच किसके मध्य खेला गया, फाइनल मैच किसके मध्य खेला गया, और विजेता टीम और उपविजेता टीम को कितना पुरस्कार मिला, ठीक। इसके साथ साथ 6 के 6 टीमों के नाम और उनके कप्तान के नाम भी आपको याद होने चाहिए। 6 टीमों के नाम, रायपुर राइनोस, बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर, रायगढ़ लायंस, राजनांदगांव पैंथर और बस्तर बायसन, ये टोटल 6 टीम थे। रायपुर राइनोस टीम के कप्तान थे अमनदीप खरे, बिलासपुर बुल्स टीम के कप्तान थे शशांक सिंह, सरगुजा टाइगर्स टीम के कप्तान थे आशुतोष सिंह, बस्तर बायसन टीम के कप्तान थे शशांक चंद्राकर, राजनांदगांव पैंथर टीम के कप्तान थे अजय मंडल और रायगढ़ लायंस टीम के कप्तान थे शुभम अग्रवाल, ठीक। शशांक सिंह बिलासपुर बुल्स, जो कि आईपीएल में आपके पंजाब किंग्स की तरफ से ये इन्होंने इस साल आईपीएल में जो है बैट्समैन के तौर पर शामिल भी हुए थे, ठीक। तो ये सभी के सभी टीम के नाम और उनके कप्तान के नाम भी याद होने चाहिए। शशांक सिंह से रिलेटेड फैक्ट्री मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है।
पंजाब किंग्स की तरफ से खेले थे और इस साल उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया इस साल के आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम की ओर से। ठीक, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अघोर महोत्सव 2024। अघोर महोत्सव इसका आयोजन रायपुर जिले के सुमेरु मठ में हुआ। रायपुर जिले का सुमेरु मठ जहां पर अघोर महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। यह पंच दिवसीय महोत्सव था जो कि 21 से लेकर के 25 जून 2024 में इस महोत्सव का आयोजन हुआ। अघोर महोत्सव से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, अघोर महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो सुमेरु मठ, सुमेरु मठ रायपुर। सुमेरु मठ किस जिले में है? रायपुर जिले में स्थित है सुमेरु मठ। ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव का संबंध किससे है? बाबा अघोरनाथ प्राकट्य दिवस के अवसर पर इस अघोर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए, ये जो आपका सुमेरु मठ है, इस सुमेरु मठ में पारद निर्मित रमेश्वर शिवलिंग है। पारद का मतलब होता है मरकरी, ठीक है? पारद का मतलब क्या होता है? पारद का मतलब होता है मरकरी। तो यहां पर पारद निर्मित एक शिवलिंग है, रमेश्वर शिवलिंग। ठीक, विशेष, विश्व में यह एकमात्र श्रीयंत्र आकार का गुंबद जिसमें 43 कोण बने हुए, 43 कोण बने हुए हैं और प्रत्येक कोण में पारद यानी कि मरकरी का शिवलिंग है। यहां पर जो मठ है, उस मठ का जो शिखर है यानी कि जो गुंबद है, उस गुंबद, ये जो गुंबद है ये श्रीयंत्र आकार का है, श्रीयंत्र आकार का गुंबद है और इसमें टोटल आपके 43 कोने बने हुए हैं और हर एक कोने में पारद निर्मित यानी कि मरकरी से बना हुआ शिवलिंग भी स्थापित किया गया है और जो इसके गर्भगृह है वहां पे पारद निर्मित रमेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है। मठ में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह हो सके इसके लिए पारद मरकरी शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये शिवलिंग इसलिए स्थापित किया गया है ताकि मठ के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो सुमेरु मठ किस जिले में स्थित है? रायपुर जिले में। अघोर महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 21 से 25 जून 2024 के मध्य, जो कि श्री अघोरनाथ प्राकट्य दिवस के अवसर में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कटघोरा लिथियम ब्लॉक। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में लिथियम के भंडारण की पुष्टि हुई है। लिथियम जिसका उपयोग आज के डेट में सर्वाधिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में इस लिथियम का उपयोग हो रहा है। ये जो आपका कोरबा जिले का कटघोरा ब्लॉक है, यहाँ पर देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी ई नीलामी हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा के साथ साथ भारत के अन्य स्थानों में भी लिथियम भंडारण की पुष्टि की जा चुकी है। हमारे भारत में लिथियम का सर्वाधिक भंडारण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। ठीक, लेकिन इन देखिए, भारत के अन्य लोकेशन में भी लिथियम भंडारण की पुष्टि हुई है, सर्वाधिक भंडारण जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कटघोरा ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है, लिथियम भंडारित कटघोरा ब्लॉक, जो कि देश का पहला ऐसा ब्लॉक है जिसकी ई नीलामी हो चुकी है। ठीक है, देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी ई नीलामी हो चुकी है और यह ई नीलामी हासिल किया गया है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। माइकी लिखा हुआ मिलेगा आपको या मैकी लिखा हुआ मिलेगा, कोलकाता की एक कंपनी है माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा से लिथियम का उत्खनन करेगी। REE सूची, लिथियम रेयर अर्थ एलिमेंट की सूची में शामिल है। ये जो लिथियम है ये रेयर अर्थ यानी कि दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट की सूची में शामिल है। लाइसेंस, कंपनी को यह ब्लॉक 76.05%, ठीक है, 76.05% की नीलामी प्रीमियम पर यह लाइसेंस दिया गया है। विशेष, कटघोरा का लिथियम ब्लॉक देश का ऐसा पहला खनन प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया गया है। खनन के लिए 3 साल का लाइसेंस प्रदान किया गया है। भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का सबसे बड़ा भंडारण है। भारत में जो है जम्मू कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा भंडारण है। भारत के अन्य लोकेशन में भी लिथियम के भंडारण के प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन कटघोरा ऐसा ब्लॉक है जिसका पहला ई नीलामी हुआ है सभी लिथियम भंडारित ब्लॉक में। ठीक,
कटघोरा के लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में लिथियम का भंडारण है। कटघोरा का घुचापुर, ठीक है, घुचापुर गांव, कोरबा जिले के कटघोरा का घुचापुर गांव के आसपास 250 एकड़ क्षेत्र में लिथियम भंडारण पाए जाने की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने 29 नवंबर 2023 को नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कमर्शियल माइनिंग के तहत खदानों को केंद्र सरकार नीलामी के माध्यम से निजी कंपनी को सौंपती है। कटघोरा देश का पहला लिथियम खदान विकसित होगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक की नीलामी या उसके उत्खनन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को, ठीक है, निजी क्षेत्र की एक कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, चांग देवी माता मंदिर, ये भी जो है व्यापम में पूछा गया प्रश्न है कि चांग देवी माता का मंदिर किस जिले में है, तो चांग देवी माता का मंदिर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भगवानपुर नामक स्थान पर यह चांग देवी माता का मंदिर है। चांग देवी जो कि चांगबखार रियासत और कोरिया रियासत की कुल देवी है, कोरिया रियासत के बालंग राजा की कुल देवी, ठीक है। चांगबखार जो कि एक देसी रियासत है, कोरिया जो कि एक देसी रियासत है, तो चांगबखार रियासत या कोरिया रियासत के बालंग राजा की ये कुल देवी है। अगर इस मूर्ति की शिल्पकला की हम बात करें तो ये कलचुरी शिल्पकला का प्रतीक है। चांगबखार रियासत की माता माँ चांग देवी जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के लिए पूजनीय है, यह मंदिर एकता का प्रतीक, एकता का मिसाल है। इस मंदिर में हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी, इस लोगों के लिए भी यह मंदिर क्या है, पूजनीय है। चांग बखार रियासत की कुल देवी होने के कारण इस मंदिर का नाम चांग देवी पड़ा। चांग बखार रियासत, ठीक है, इसकी कुल देवी है, इस कारण से इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, चांग देवी मंदिर। इस मंदिर में प्रतिदिन आरती के समय घंटी की आवाज सुन करके जंगली भालू प्रसाद खाने के लिए इस मंदिर में पहुंचता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि चांग देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भगवानपुर नामक स्थान में। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा कैंटीलीवर स्काई वॉक यानी कि ग्लास ब्रिज, ये प्रस्तावित है इंदिरा नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात में। बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात में देश का सबसे लंबा कैंटीलीवर स्काई वॉक यानी कि ग्लास ब्रिज, ठीक है, कांच का बना हुआ पुल, ये प्रस्तावित है। इसका निर्माण चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात के मध्य किया जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी के ऊपर है और आपका तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि मुनगाबहार नदी के ऊपर है, इन दोनों के मध्य इस ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसका परिमाप यानी कि यह 100 फीट ऊंचाई पर 125 फीट लंबा पुल होगा। वर्तमान में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस ब्रिज का निर्माण बिहार के राजगीर में बने स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के तर्ज पर होगा जो कि चीन के हांगझोउ प्रांत में बने कांच के पुल के तर्ज पर बना है। देखिए, बिहार के जो राजगीर में अभी वर्तमान में जो स्काई वॉक बना है वो भी आपके चीन के हांगझोउ प्रांत में बने कांच पुल के तर्ज पर है, और हम बिहार में बने हुए आपका जो ब्रिज है उसके तर्ज पर हम हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर ये बना रहे हैं ग्लास ब्रिज। वर्तमान में देश का पहला बड़ा कैंटीलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज केरल के इडुक्की में और बिहार के राजगीर में दूसरा बड़ा पुल स्थित है, और इनसे भी बड़ा पुल बनाया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर। अभी तो यह प्रस्तावित है, अगर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अगले 5 साल में यह पुल बन गया तो बन गया, 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ऐसे बहुत से चीज़ें हुई है, घोषणाएं हो जाती है, प्रस्तावित रहती है, टेंडर पास हो जाता है, सत्ता परिवर्तन होता है और सारा चीज़ ठंडे बस्ते में चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोंचा पर्व जिसका आयोजन 22 जून से 17 जुलाई 2024 तक 27 दिनों तक इस गोंचा पर्व का आयोजन होगा। गोंचा पर्व जिसका संबंध भगवान जगन्नाथ से है, हमारे छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व की शुरुआत कब हुई, ध्यान दीजिएगा, भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी द्वारा काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई थी।
काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव जो कि बस्तर से उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा पर निकले थे। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव पेट के भार, ठीक है, यानी कि ऐसे लेटते हुए, पेट के भार में लेटते हुए वो जगन्नाथ मंदिर की यात्रा किए थे। उनकी आस्था को देखते हुए जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के द्वारा उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और 16 पहियों वाला रथ भेंट में दिया गया था। और उसी 16 पहियों वाले रथ में बैठ करके राजा पुरुषोत्तम देव पुरी से बस्तर वापस आए। स्थानीय मान्यता व इतिहास के अनुसार बस्तर में गोंचा रथ यात्रा विगत 617 वर्ष से सतत जारी है, अर्थात इसकी शुरुआत 1410 ईस्वी के आसपास हो चुका था, जो कि काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव के जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट याद रखना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जो गोंचा पर्व ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, बस्तर वाले क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। इसमें अलग अलग तिथि में अलग अलग जो है इसमें पर्व आयोजित होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका चंदन यात्रा। चंदन यात्रा ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है चंदन यात्रा, जिसमें शास्त्र सम्मत विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है भगवान जगन्नाथ की। अंसर जो है ये अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा को अंसर पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक अस्वस्थ हो जाते हैं और इस विधान को अंसर कहा जाता है। इस 15 दिनों में जगन्नाथ के दर्शन कोई नहीं कर सकता, यानी कि आम जनता के लिए उनका मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। नेत्रोत्सव अषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा, अस्वस्थता के बाद नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथ स्वस्थ होकर के श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद श्री गोंचा जिसे रथ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है आपका रथ द्वितीया या गोंचा पर्व या श्री गोंचा। जगन्नाथ के विग्रहों की पूजा अर्चना कर तीनों रथ को सुसज्जित करके स्थानीय जगन्नाथ मंदिर से गोल बाजार की परिक्रमा करते हुए तीनों रथ को सिरासार लाया जाता है, यानी कि सिरासार भवन जो कि जगदलपुर में स्थित है, जहां जगन्नाथ को नौ दिन तक अस्थायी रूप से विराजित किया जाता है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ जगत भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के यहाँ जगतपुर पहुंचे थे। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के साथ दो प्रतिमा और होती है, एक उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ये तीनों के तीनों जगत भ्रमण पर निकलते हैं। ठीक है, जगत भ्रमण पर निकलते हैं और अपने मौसी के यहाँ जनकपुर पहुँचते हैं और इसका ज्ञान माता लक्ष्मी को नहीं होता, यानी कि जो भगवान जगन्नाथ है उन्हें भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। तो माता लक्ष्मी को बिना बताए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विश्व भ्रमण पर निकलते हैं और भ्रमण करते हुए अपने मौसी के यहाँ जाकर के ठहरते हैं। तो ये कहलाता है आपका श्री गोंचा, ये रथ द्वितीया। हेरा पंचमी जो कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है, अषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को हेरा पंचमी उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु लक्ष्मी को बिना बताए अपने भाई व बहन के साथ जगत भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। लक्ष्मी 4 दिनों तक विष्णु के न लौटने के कारण उन्हें ढूंढने निकलती है और ढूंढते जनकपुरी विष्णु को पा करके उनके साथ वाद विवाद होता है। तो हेरा पंचमी के दिन वाद विवाद का आयोजन होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण संवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें पुजारियों का 2 ग्रुप होता है और उनके मध्य थोड़े से गायन शैली में वाद विवाद होता है, जिसे हेरा पंचमी लक्ष्मी नारायण संवाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद मनाया जाता है आपका बहुड़ा गौंचा, जो कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को मनाते हैं। जगन्नाथ के विग्रहों को रथारूढ़ कर तीनों रथों को परिक्रमा करते हुए श्री मंदिर अर्थात जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। इसे बहुड़ा गौंचा अथवा बहाड़ा गौंचा कहा जाता है। श्री मंदिर पहुंचने के बाद कपाट फेड़ा विधान पूर्ण किया जाता है। इस विधान में पंचमी को रूठी हुई, यानी कि हेरा पंचमी को रूठी हुई लक्ष्मी विष्णु को श्री मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती, श्री मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है। काफी मान मनोवल और भेंट देने के बाद लक्ष्मी दरवाजा खोलती है और इस विधान को कपाट फेड़ा विधान कहते हैं। देखिए,
भगवान जगन्नाथ जब अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होने के पश्चात वो भ्रमण पर निकलते हैं, जिसे हम श्री गोंचा या रथ गोंचा के नाम से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ये तीनों के तीनों विश्व भ्रमण पर निकलते हैं, जो कि माता लक्ष्मी को बिना बताए ये विश्व भ्रमण पर निकलते हैं, और ये भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर जनकपुर जा करके ये विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए जो है जनकपुर पहुंचती है, और दोनों के मध्य वाद विवाद होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण संवाद या इसे हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाते हैं। लक्ष्मी माता वापस अपने इस मंदिर में, जो आपका श्री मंदिर जिसे कहा जा रहा है, श्री मंदिर में जाकर के मंदिर का द्वार अंदर से बंद कर देती है। बाद में जो है आपके जगन्नाथ जी का रथ इस मंदिर में लाया जाता है। यहां पर मनाया जाता है आपका बहाड़ा गोंचा या बहुड़ा गोंचा, जिसमें मंदिर के बाहर खड़े होकर के पुजारियों का एक वर्ग और मंदिर के अंदर पुजारियों का एक वर्ग, दोनों के बीच में फिर से गायन शैली में जो है आपके जो रूठी हुई माता लक्ष्मी है उसे मनाने का प्रयास किया जाता है। मनाने के पश्चात उस मंदिर का द्वार खोला जाता है, जिसे इस रस्म को कहा जाता है आपका कपाड़ फेड़ा विधान, कपाट फेड़ा विधान। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हेरा पंचमी का संबंध किससे है? गोंचा पर्वत से है। हेरा पंचमी कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को। श्री गोंचा या रथ द्वितीया कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। बहुड़ा गोंचा कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को। आपको महीनों के नाम याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्व लक्ष्मी नारायण संवाद से संबंधित है? हेरा पंचमी। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ना, जैसे कि आपका ये हो गया हेरा पंचमी, रथ द्वितीया, श्री गोंचा, यहाँ पर आपका बहड़ा गोंचा, यहाँ पर आपका कपाट फेड़ा, ये सारे चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करके तिथि के साथ याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कर्नल कमांडेंट मानद रैंक। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा इस कर्नल कमांडेंट के मानद रैंक से इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा एनसीसी सेवा संचालित करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो इस साल 2024 का कर्नल कमांडेंट मानद रैंक की उपाधि से सम्मानित किए गए डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर चंदेल इस वर्ष छत्तीसगढ़ में एनसीसी कर्नल कमांडेंट की उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र कुलपति है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना कि राष्ट्रीय कैडेट कोड के द्वारा कर्नल कमांडेंट के मानद रैंक से किन्हें सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर गिरीश चंदेल किस विश्वविद्यालय के कुलपति है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति है। नेक्स्ट, जनदर्शन ध्यान दीजिएगा। प्रदेशवासियों की समस्याओं और उनके मांगों के उचित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत 27 जून 2024 से हुई। यानी कि जो आम जनता है वो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर जाकर के मुलाकात कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। इसके लिए शुरू किया गया जनदर्शन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि से हुई है? तो 27 जून 2024 से इस मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और ये जो आपका जनदर्शन कार्यक्रम है, ये हर सप्ताह, प्रति सप्ताह, वीकली बेसिस पर आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन यह आपके जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। अभी मेरे हिसाब से इसका दूसरा जो जनदर्शन कार्यक्रम है ये आयोजन हो चुका है। 27 जून से इसकी शुरुआत हुई थी। 27 जून 2024 के 24 को मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें आम जनता सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा उसका निराकरण भी किया जाता है। तो कब से शुरुआत हुई? 27 जून 2024 से। प्रति सप्ताह मुख्यमंत्री जन कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाता है? गुरुवार के दिन यह मुख्यमंत्री जन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कहां पर? रायपुर मुख्यमंत्री निवास में। ठीक, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मितान योजना। ये पुराना योजना है लेकिन इसमें एक अपडेट आया है, इसलिए इसको मैंने शामिल किया। मुख्यमंत्री मितान योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर किया गया,
क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं उसे सीधा घर बैठे उन सेवाओं को प्रदान करना। इसका विस्तार 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में इस आपके मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार है, इसे याद रखना। सबसे पहले मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत केवल 14 नगर निगमों में हुई थी, अब इसका विस्तार जो है 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में हो चुका है। इसका एक हेल्पलाइन नंबर है 14545, इस नंबर पर कॉल करके आप जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और आपको जो भी सेवाएं चाहिए, जैसे कि आपका विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र में सुधार, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, यहां आप देख सकते हैं। ये इतनी सारी सेवाएं जो है इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को जो है घर पहुंच सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाती है। 20 जून 2024 तक की स्थिति में 44 प्रकार की सेवाएं इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को, विशेषतः बुजुर्ग दिव्यांगजनों और निराक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किस डेट में हुई? तो 1 मई 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई। देखिए, जब से नई सरकार आई है, और ये होता ही है कि जब कभी सत्ता परिवर्तन होता है, कोई नई सरकार आती है, कोई नई पार्टी जो है पावर में आती है, तो वो पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करती है। लेकिन मुख्यमंत्री मितान योजना एक ऐसी योजना है जो कि एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया कि घर बैठे लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है। ये योजना को सरकार ने बंद नहीं किया है, ये चालू है और इसका विस्तार किया जा रहा है। 14 नगर निगम के साथ 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, अब 14 नगर निगम के साथ 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में इसका विस्तार किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना एक पूर्ववर्ती योजना है। इस योजना का पहले नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जो कि पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार के टाइम पीरियड में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। इसका संचालन, ये जो योजना है, इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इस शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। सहायता, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता, नगद रहित उपचार, पैसा नहीं मिलेगा, इसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक के इसमें इलाज करवाया जाएगा, यानी कि जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिया जाएगा, इसमें कोई पैसा किसी मरीज को नहीं मिलेगा। तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता, नगद रहित उपचार मिलेगा। ठीक है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले यानी कि बीपीएल परिवार को 5 लाख तक, तथा गरीबी रेखा के ऊपर जीवन व्यापन करने वाले यानी कि एपीएल परिवार, बीपीएल यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, एपीएल यानी कि अबव द पॉवर्टी लाइन, उन्हें 50,000 रुपए तक का जो है स्वास्थ्य उपचार या स्वास्थ्य सहायता उन्हें प्रदान किया जाएगा। जून 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस साल के बजट 2024-25 में इस योजना हेतु 1526 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ये सारी की सारी योजनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 2012 से संचालित था, इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार जो है इसके अंतर्गत पात्र होते हैं, इन्हें 50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज इन्हें प्रदान किया जाता है। पहले इसके लिए जो है आपका एक हेल्थ कार्ड बनता था। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जो कि 2008 से लागू किया गया था, 15 साल तक की उम्र के बच्चे इसके लिए पात्र होते थे, उन्हें सामान्य सर्जरी के लिए 1.30 लाख, आपके 1.30 लाख रुपये, जटिल सर्जरी के लिए 1.5 लाख रुपये और वॉल्व रिप्लेसमेंट के लिए 1,80,000 रुपए इसमें प्रदान किए जाते थे। ये क्या था? हृदय यानी कि दिल से संबंधित रोग के लिए। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना यानी कि भैरेपन के इलाज के लिए 2010 में यह योजना लागू की गई थी, जो कि जन्मजात भैरेपन के उपचार के लिए यह योजना लागू किया गया। इसमें कॉक्लियर
कंपाइलर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 2014 को लागू हुआ था, 18 वर्ष आयु तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। संजीवनी सहायता कोष जो कि 2001 में इसे लाया गया था, 30 प्रकार की बीमारियों का इलाज इसके तहत जो है 30 प्रकार की बीमारियों का इसमें इलाज किया जा सकता है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है। तो इन सभी के सभी योजनाओं को पहले डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था और उसी डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना इसका नाम कर दिया गया है। जो पहले डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना था उसका नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए और इस आपके एक योजना के अंतर्गत ये सारी योजनाएं सम्मिलित है। ठीक, नेक्स्ट राष्ट्रीय आम महोत्सव, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक याद रखना कि इसका आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 12 से 14 जून के मध्य इसका आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के द्वारा किया गया। इस महोत्सव की अध्यक्षता डॉक्टर गिरीश कुरिल, ये यहाँ गिरीश कुरिल नहीं गिरीश चंदेल होगा, गिरीश चंदेल, ठीक है इसे अपडेट कर लेना। डॉक्टर गिरीश चंदेल जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस मैंगो फेस्टिवल में आम की 300 से अधिक देशी विदेशी किस्म और आम से बने 56 व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट है दो मोबाइल ऐप, एक दामिनी ऐप और दूसरा है मेघदूत ऐप। हर साल जब कभी मानसून का महीना आता है तो जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता को इस मोबाइल ऐप के यूज़ किए जाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, स्पेशली किसानों को और ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली गिरने की घटना सर्वाधिक होती है। दामिनी ऐप जन समुदाय को आकाशीय बिजली की घटनाओं से निपटने हेतु भारत सरकार के दामिनी ऐप का उपयोग वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान 20 से 31 किलोमीटर का दायरा, आवश्यक तैयारी उपाय आदि जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी कि जो दामिनी ऐप है ये 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं बिजली गिरने वाली है तो उसकी चेतावनी पहले से ही दे देगा। और दूसरा है मेघदूत ऐप, मेघदूत ऐप जो कि मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान यानी कि तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति, दिशा इत्यादि से संबंधित है। इससे किसानों को अपने क्षेत्र में मौसम संबंधित पूर्वानुमान जानकारी मिल जाएगी। दामिनी ऐप जो कि क्या है, बिजली की चेतावनी से संबंधित है, बिजली गिरने की चेतावनी से, और जो दामिनी ऐप है और जो आपका मेघदूत ऐप है ये मौसम का पूर्वानुमान है, यानी कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है, वर्षा की स्थिति क्या होने वाली है और आपकी हवा की गति क्या रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। जैसे कि सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2300 रुपये प्रति कुंटल, ग्रेड ए का है 2320 रुपये प्रति कुंटल, ज्वार हाइब्रिड का है 3371 रुपये प्रति कुंटल, ज्वार मालदंडी का है 3421 रुपये प्रति कुंटल, बाजरे का है 2625 रुपये प्रति कुंटल, रागी का है 4290 रुपये प्रति कुंटल, मक्के का है 2225 रुपये प्रति कुंटल, तुअर का है 7550 रुपये प्रति कुंटल, मूंग का 86-82 रुपये प्रति कुंटल, उड़द दाल का 7400 रुपये प्रति कुंटल, मूंगफली का 67-83 रुपये प्रति कुंटल, सूरजमुखी का 72-80 रुपये प्रति कुंटल, सोयाबीन का है आपका 48-92 रुपये प्रति कुंटल, तील का है 92-67 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, वैसे ही और कुछ कृषि उपज के यहाँ पर दिए गए हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है धान, सामान्य धान ग्रेड ए, बाजरा, मक्का और ये ज्वार के जो है आप स्पेशली न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है इसको कम से कम आप पहले याद कीजिए और इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि हुई। ठीक, इसको स्पेशली याद रखना, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मक्का का, ज्वार का, बाजरा का और ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए, इसे पहले स्पेशली याद कीजिएगा और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई। नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है ये इस साल यानी कि जो पिछला खरीफ विपणन वर्ष गया 2023-24 इसमें प्रदेश सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की। प्रदेश सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की गई जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2183 रुपये प्रति क्विंटल कॉमन और ग्रेड ए का 2203 रुपये उसमें अतिरिक्त राशि जोड़ करके 3100 रुपये की दर से प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी की है जिसे नाम दिया गया है कृषक उन्नति योजना। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से 2183 रुपये सामान्य धान का और ग्रेड एक का 2203 रुपये मिला किसानों को, जो उसमें 3100 रुपये को पूरा करने के लिए जो अंतर की राशि थी वो प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की गई और इसे नाम दिया गया कृषक उन्नति योजना। तो इस साल का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया 2300 और 2320 रुपये सामान्य धान और ग्रेड ए का। अब उसमें प्रदेश सरकार अतिरिक्त राशि जोड़ करके 3100 रुपये की दर से प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी करेगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए बर्ड सर्वे। हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में 8 से 10 जून 2024 के मध्य लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहल से बर्ड सर्वे, बर्ड यानी कि पक्षी, बर्ड सर्वे 2024 का आयोजन किया गया। इस सर्वे में भोरमदेव क्षेत्र में 143 प्रजाति के पक्षी मिले हैं जबकि सेंचुरी के हिसाब से 195 पक्षियाँ इसमें सूचीबद्ध है। भोरमदेव अभ्यारण्य में जो है टोटल आपके 195 पक्षियों की प्रजातियां हैं लेकिन अभी जो सर्वे हुआ बर्ड सर्वे 2024 इसमें भोरमदेव अभ्यारण्य में 143 पक्षियों की प्रजाति मिली है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जून माह में जून 2024 में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में बर्ड सर्वे 2024 का आयोजन हुआ, तो भोरमदेव अभ्यारण्य में इस बर्ड सर्वे 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त ये बनाए गए हैं अजय सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग या नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक, इन्हें जवाबदारी सौंपी गई छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त की। इस अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो थे आपके सुशील त्रिवेदी 2002 से 2008, सेकंड थे शिवराज सिंह 2008 से 2010, उसके बाद थे प्रफुल्ल चंद्र देलई 2010 से 2016, उसके बाद थे ठाकुर राम सिंह 2016 से 2024, अजय सिंह 2024 के बाद निरंतर अभी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त है अजय सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़े हुए अगर हम फैक्ट की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य के संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 28 सितंबर 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट और 243 य क में राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने का उत्तरदायित्व विहित होता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में समय समय पर निर्वाचन कराते हैं। देखिए जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, फिर लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 लोक टोटल आपका 11 लोकसभा सीट है, तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए और जो लोकसभा चुनाव हुए वो कराया जाता है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ में केवल आपका पंचायत स्तर और नगरीय निकाय स्तर के चुनाव करा सकता है। पंचायत स्तर यानी कि जिला पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव और नगर पंचायत चुनाव केवल यही करा सकता है। ये जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नहीं कराता, पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना।
ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी आगे दिसंबर के महीने में कुछ नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन प्राधिकरणों की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा निर्णय की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया, जैसे कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, और आपका अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। इन 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, और इनकी और इस आपके सभी विकास प्राधिकरण की निगरानी करेगा मुख्यमंत्री सचिवालय। ठीक है, मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा इस सभी प्राधिकरण की निगरानी की जाएगी। जैसे बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इस सभी की स्थापना 2004-05 के आसपास हुई थी। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, जिसमें पूरे बस्तर संभाग के सभी जिले शामिल है, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, जिसमें कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सहित सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा शामिल है। ठीक है, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, जिसमें पूरा का पूरा कोरबा जिला, गोरेला पेंड्रा, मरवाही पूरा, आपका मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र, शक्ति के उप योजना क्षेत्र, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी के आंशिक क्षेत्र, मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी संपूर्ण तथा बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखतन, गंडई जिलों सहित कबीरधाम के आंशिक क्षेत्र इसमें शामिल है। ये इनका क्षेत्र विस्तार है और इसकी अध्यक्षता की जाएगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। अगर हम अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसका भी आपका स्थापना 2004-05 में हुआ था। राज्य शासन द्वारा 25% तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल क्षेत्र इसमें शामिल होंगे, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां की आबादी 25% तक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की है, वहां पर जो है ये वो क्षेत्र इस आपकी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2012-13, इसमें मजरा टोला, पारा मोहल्ला, वार्डो तथा ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल किए जाएंगे। इसका पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि वर्ष 2019 में जो पूर्ववर्ती सरकार ने इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, इसलिए इन प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, वर्तमान पदाधिकारी, कुछ नव नियुक्त पदाधिकारी है, इनकी नियुक्तियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये बनाए गए आपके श्री अजय सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष है श्री लखन लाल देवांगन, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। श्री इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति है श्री सत्यनारायण राठौर, जो कि जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये जो आपके इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की जो पहले कुलपति थी, वो थी मोक्षदा चंद्राकर, यानी कि ममता चंद्राकर, जिन्हें उनके पद से निष्कासित कर दिया गया। इस कारण से ये प्रभार सौंपा गया है दुर्ग संभाग के संभाग आयुक्त को, ये दुर्ग संभाग के संभाग आयुक्त है। ठीक है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग, इसके वर्तमान जो कुलपति है वो है डॉक्टर संजय अलंग, इन्हें भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये आपके रायपुर संभाग के संभाग आयुक्त है। छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव है श्री अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ योजना नीति आयोग के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ योजना नीति आयोग के उपाध्यक्ष है श्री अमिताभ जैन। पहले थे आपके श्री अजय सिंह। अजय सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद यह पद खाली हुआ था। अब इस पद पे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं श्री अमिताभ जैन, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी है। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है श्री जुबिन शाह, इनका नाम भी याद रखिएगा, CCPL के टाइम पे इनका नाम काफी हाईलाइट में था। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का होगा परिसीमन। जून 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या 24, नगर पालिका की संख्या 48 और नगर पंचायतों की संख्या 122, टोटल करेंगे तो ये होता है आपका 184, टोटल 184 नगरीय निकाय है, जिसमें से निगम की संख्या 14, पालिका की संख्या 48 और नगर पंचायत की संख्या है 122।
ये है वार्डों का गणित। वार्डों का गणित यानी कि नगर निगम में जो वार्ड बनाए जाएंगे उसमें अधिकतम 70 और न्यूनतम 40 वार्ड होते हैं। नगर पालिका के अंतर्गत अधिकतम 40 और न्यूनतम 15 वार्ड होते हैं। नगर पंचायत में भी अधिकतम 40 और न्यूनतम 15 वार्ड होते हैं। डायरेक्ट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें जो है एक आदि में वार्ड की संख्या कम या ज़्यादा कर देगा और असत्य युग्म पहचानिए करके पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम 70 नगर निगम में अधिकतम 70 और न्यूनतम 40 वार्ड होते हैं। नगर पालिका में अधिकतम 40 और न्यूनतम 15, नगर पंचायत में अधिकतम 40 और न्यूनतम 15 वार्ड होते हैं। जिस नगर निगम पालिका में वार्डों की संख्या 70 है वहाँ परिसीमन तो होगा लेकिन नए वार्ड नहीं बनाए जाएंगे। परिसीमन का मतलब सीमाओं का निर्धारण, ठीक है। तो जहाँ पर ऑलरेडी ऐसे आपके निगम जहाँ पे वार्डों की संख्या 70 हो चुकी है वहाँ पर नए वार्ड नहीं बनाए जाएंगे। परिसीमन में वार्ड में मतदाताओं की संख्या तय करने जनगणना के डेटा को आधार बनाया जाता है। तो ये आंकड़े को एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। बलौदा बाजार हिंसा, इससे आप सभी परिचित होंगे। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में एक हिंसात्मक घटना हुआ जिसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस और जो पुलिस का जो मुख्यालय था उसे आग लगा दिया गया। एक्चुअली में घटनाक्रम क्या था, देखिए इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अवगत रहिएगा। 15 मई 2024 की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम के अंतर्गत स्थित ग्राम महकोनी में अमर गुफा में सतनाम समुदाय द्वारा पूजित धार्मिक स्थल जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैतखाम जो है ये सतनाम पंथ का एक प्रतीक चिन्ह है। सतनाम पंथ जो कि आपके इसके प्रवर्तक है गुरु घासीदास जी, ठीक है। और इस सतनाम पंथ का प्रतीक चिन्ह है जैतखाम, जिसे कुछ आपके असामाजिक तत्वों के द्वारा अज्ञात बदमाशों के द्वारा उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन समुदाय केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। इस घटना के बाद सतनामी समुदाय ने बलौदा बाजार जिले में 10 जून को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का, जो अंततः हिंसक हो गया। जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जो कि अचानक से हिंसक हो गया। इस विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस अपनी जाँच जारी रखे हुए है। जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो सतनाम पंथ का धर्म का एक प्रमुख केंद्र है गिरौदपुरी, वहीं पर आपके ग्राम महकोनी में अमर गुफा के समीप सतनाम पंथ का जो प्रतीक चिन्ह है जैतखाम उसे कुछ बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन सतनाम समुदाय उससे संतुष्ट नहीं थे। इस कारण से उन्होंने क्या है केंद्रीय जांच की मांग करी और उसके विरोध प्रदर्शन के लिए 10 जून 2024 को उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अचानक से कब हिंसक हो गया पता नहीं चला। इसमें कलेक्ट्रेट जो बिल्डिंग है उसे आग लगा दी गई, काफ़ी दस्तावेज जला दिए गए, उसमें बहुत से आपकी गाड़ियाँ इसमें जली, ठीक है। और ये था आपका बलौदा बाजार हिंसा। मैं इसमें ज़्यादा कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि हमारी ये क्लास है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि बलौदा बाजार हिंसा कहाँ हुई, क्यों हुई, किस डेट में हुई। और किसी देखिए ये क्लास केवल आपको जानकारी देने का है और ये मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है। तो ये किसी धर्म को टारगेट करते हुए नहीं है, किसी समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस से है। क्योंकि ये जो आपका मुद्दा था बलौदा बाजार हिंसा, इसे लेकर के किसी प्रकार की टीका टिप्पणी या किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज सर्कुलेशन जो है इसको लेकर के काफ़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हुआ है कि जब कभी भी छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई बड़े घटनाक्रम हुए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो आपका जैसे आप इंटरव्यू देने बैठे हैं तो बलौदा बाजार हिंसा इसका मुख्य कारण क्या था, कब हुआ और किस प्रकार से हिंसात्मक घटना में बदला, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो उसकी शुरुआत 15 मई से हुई थी। 15 मई में जो है आपके उनके जैतखाम को सतनाम समुदाय के प्रतीक चिन्ह जैतखाम को क्षति पहुंचाया गया, जिसके लिए एक शांतिपूर्ण उसके लिए क्या है एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की मांग विरोध प्रदर्शन आपके बलौदा बाजार जिले में किया जा रहा था सतनाम समुदाय के द्वारा, लेकिन वो अचानक से हिंसात्मक एक घटना में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून 2024।
यहाँ आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर होता है समाप्त। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बुक है, इसे समय रहते ले लीजिए, स्टॉक लिमिटेड है, जल्द ही ये बुक हो सकता है कि मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए।